अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, उस्मान नगर में हमने कल एक छोटी सी न्यूज़ बताई थी, लेकिन आज उसकी तफसीलात बता रहे हैं। वहां के मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। यहां पर खालिद बिन वली नाम की एक मस्जिद है और इस मस्जिद के दामन में ड्रेनेज का पानी भर गया है। नमाज को आने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े बातें और दावे करने वाले वो पॉलिटिशियन, वो लीडर्स जो कोई मजहब के नाम पे वोट मांगता है, कोई तरक्की के नाम पे वोट मांगता है, कोई ना जाने कैसे कैसे वादे दावे करने वाले लोग वोट मांगते हैं, लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से ये जिफर है। नाज़रीन, मामूली सी ड्रेनेज का काम नहीं करवा सकते ये लीडर। ये लोग लीडर तो बनते हैं लेकिन अवाम के मसलों को हल करने के लिए नहीं, अपनी जेबें भरने के लिए और दूसरे काम करने के लिए। जबकि लीडर का मतलब यह है कि अवाम की परेशानियों को दूर करे, उनके मसलों को दूर करे। अवाम के तो मसले तो दूर होते ही नहीं हैं। अब मस्जिद का एक मसला आ चुके बैठा है। यहाँ के एमएलए जो सविदानंद रेड्डी है, बातें तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई अमली तौर पर काम करते हुए नजर नहीं आते। बड़ी अफसोस की बात है। यहीं के मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। ज़रूरी है कि आप कम से कम मस्जिद का ख्याल रखें। पानी कैसे आ गया इसका ध्यान रखें। आइंदा फिर कभी ऐसा ना हो इसके लिए पक्का कोई काम करें, ताकि अवाम का एतमाद आप पर हो। और कम से कम जो ये रमज़ान के मुबारक महीने में लोग नमाज मस्जिद को जाते हैं नमाज के लिए, इबादत के लिए, वो अपनी इबादत अच्छी कर सकें। बहरहाल देखते हैं कि यहाँ के जिम्मेदार कब नींद से जागते हैं और कब ये काम को अंजाम देते हैं। तकी और रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। उस्मान नगर वाइस प्रेसिडेंट सैयद अकबर, उस्मान नगर से मैं बात कर रहा हूँ। खालिद बिन वलीद मस्जिद के अंदर दो दिन से पानी है और ड्रेनेज का पानी, पूरा गंदा पानी आके रोज़दारों को तकलीफ हो रही और हम लोगों को तो वो बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा। इससे पहले पानी आके पूरी बस्ती परेशान थी, अब मट्टी डालने के बाद भी जलपल्ली म्यूनसिपल से कुछ काम नहीं हो रहा। फिर भी अब चेयरमैन साहब को बोलने से, चेयरमैन साहब अब आप जिसे भी भिजाए, लेबर को भिजाए, अभी चेयरमैन साहब के ज़रिए ये हमारा काम हो रहा। अब TRS के तरफ से काउंसलर तो कुछ भी नहीं कर रहा, और जब से जीते इन्होंने काउंसलर साहब तो आते ठंडे बातें करते चले जाते। और मज़र मियाँ नाम है और सविता इंद्रा रेड्डी तो ये एरिया को नो केयर कर रहे, समझो सविता इंद्रा रेड्डी साहब आ रहे खाली, वो तो ऊपर का ऊपर आ रहे, ओपनिंग कर रहे चले जा रहे। उस्मान नगर में अंदर आके देखे नहीं अभी तक तो। अब हम लोगों की परेशानी तो मैडम होम मिनिस्टर से जब से परेशानी है, सविता इंद्रा रेड्डी होम मिनिस्टर है जब से, आज तक भी हमको परेशानी है। मैडम इससे पहले भी मैं वो करता हूँ ये कर, मैडम काम करते बोल के वोट डाले लेकिन मैडम काम नहीं कर रहे। कहीं को बोलते मैडम के साथ साथ उनके साथियाँ भी काम नहीं कर रहे, TRS के जितने भी है। खाली KCR साहब बोल रहे हमारी पार्टी काम करती, वो करते ये करते, कुछ भी नहीं कर रहे। जय जय तेलंगाना बोलते लेकिन काम नहीं करते। बंगार तेलंगाना बोल रहे, बंगार ही नहीं है, तेलंगाना भी नहीं है। तेलंगाना में आने के बाद भी ये हालत है उस्मान नगर के। हम लोग क्या ये है कि हम मुसलमानों के पैदा हुए मुसलमान बस्ती में, मैडम नहीं करना चाह रहे शायद बोल के, ऐसा समझ रहा हूँ। मस्जिद में पानी आज को दूसरा तीसरा दिन है भाई। बोले लीडर साहब आए, काउंसलर साहब आके बोले ये ऐसी रहता, वो थोड़ा मट्टी निकालना पड़ता, GCP आती, वो ठंडा आइसक्रीम है वो। हाँ, उन्हें कुछ काम करने का काबिल नहीं है। और काउंसलर तो बना तो उसके खिदमतों से कैसा की बन गया काउंसलर, उन्हें काउंसलर के काबिल भी नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है, मैडम से रिक्वेस्ट है, आप मैडम ये जिम्मेदारी किसी और को दो। ये मदर तो नहीं कर सकता। और यहाँ पे रमज़ान शुरू होने से पहले से हम लोगों को लाइटा भी नहीं, अंधेरे में लोग सहरी कर रहे, फजर में उठ रहे। और एक चीज़ क्या है मैडम, आपको बोलने से क्या है, कचरा तो उठा रहे नहीं, गंदगी है। मैडम को कितना भी बोलो तो मैडम भी नो केयर कर रहे हैं। हम लोगों को आपसे रिक्वेस्ट है, मैडम जितने भी म्यूनसिपल के ऑफिसर्स है, जितने भी जो जिम्मेदार लोग आए, पूरों को ये उस्मान नगर की तल्ला है। मैडम को हमें उस्मान नगर की तल्ला नहीं है, मैडम एक बार पर्सनली आके दौरा करें तो कैसे हालात है, हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कितने मरहले में परेशान है मालूम होता। ना महीनों हो जाते, ना झाड़ने वाले आते, ना कचरा उठाने वाले आते। अब ये बारिश का पानी नहीं है, ऊपर से जो पानी आ रहा पूरा फ्लो के पैपा जाम हो गए, पैपा जाम होने से मस्जिद डिप में है, मस्जिद में ओवरफ्लो हो रहा पानी।
कल सुबह 10-15 मिनट की बारिश के लिए सेम सिचुएशन था। कल सुबह से इंटीमेट कर रहे हैं जलपल्ली में कॉर्पोरेटर को, सबको, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं हुआ। अभी पब्लिक पूरी जमा होकर फिर कॉल वाला करने से, फिर जेसीबी पर्सनली बुला लिए सोए, और पब्लिक पूरी बोल के मीडिया को बुलाने से आप लोग आए। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये मैसेज कैसा भी मैडम तक जाना चाहिए। उस्मान नगर के बहुत बुरे हालात है। ओके, पर्सनली दौरा करे तो हम लोग किस प्रॉब्लम में, क्या है, क्या परेशानी में, मैडम को मालूम होता। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज उस्मान नगर खालिद बिन वली मस्जिद के पास है हम लोग। कल थोड़ी सी बारिश में ये जो बोरियों का गंदा पानी है पूरा मस्जिद में घुस गया था। घुसने के बाद यहाँ पे कोई पुरसाले हाल नहीं है। यहाँ के मस्जिद के जो जिम्मेदार है सदर, वो लोग मिलकर फिर फ़ोन करें। फ़ोन करने के बाद म्यूनसिपल से लोग गए, फिर चेयरमैन साहब यहाँ से जेसीबी मांगे, काम चालू करे। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ के कौंसलर, जबकि एक ईमान वाले मुसलमान है, फिर ये मस्जिदों के अल्लाह के घर में जब गंदा पानी घुसता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर जब आप कहाँ हैं, नहीं है। और हाल ही दिन में 28 वार्ड में इलेक्शन है, वहाँ पर 1 रुपये में पानी देते, हम ऐसा कर देते, हम ये करें, TRS गवर्नमेंट बोल के बोल रहे हैं, फिर ये क्या है। चंद थोड़ी बारिश में गंदा पानी मस्जिद में हुआ अल्लाह के घर में, इसके लिए ईमान किसका भी नहीं जाग रहा। मैं यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्त पर फ़ोन कर कर म्यूनसिपल वालों से काम निकाले हैं। और एरिया के जिम्मेदार सबिता इंद्राणी जो मैडम हैं, उन्होंने तो फेल हो गए लॉकडाउन में हर वो चीज़ में। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार आके उत्तम कुमार, फिरोज खान, मैं, राशिद खान, हम लोग आके एहतजाज करने के बाद यहाँ का पानी निकाला गया हाईकोर्ट में केस डालने के बाद। अब बड़े बड़े दावे करते हैं गोल्डन तेलंगाना, सुराना तेलंगाना, क्या है ये? कोई गाँव में नहीं है, कोई अजला में नहीं है। हाल ही दिन में इलेक्शन है नागार्जुना में, बड़े बड़े वादा कर रहे हैं। तो मैं आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ, इन लोगों को बैगाट करना चाहिए TRS गवर्नमेंट को। ये झूठे वादे, झूठे प्रोपेगेंडे, और लोग भी इनकी बहुत तायद कर रहे हैं मुसलमान रह के, अपने ईमान की पुख्ता ही ख़त्म हो गई। वायरस, लॉकडाउन और मास्क लगाओ चालाना कर रहे हैं, फिर इतने दिन से दूसरों के ईदान थे, जब कुछ भी नहीं हुआ। आज रमज़ान हमारा आता है, अगला साल भी इसी गुजरा, तो आज सख्ती करते हैं। तो ये क्या है, ये माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, और ऊपर चाय वाले नीचे दारू वाले दोनों मिलकर ये माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो मस्जिद है सबसे बड़ी इबरत है, ये वहाँ पर इलेक्शन का पपुरगंडा करते, 1 रुपये में पानी बोलते, फिर यहाँ पर मस्जिद के पास जबकि अल्लाह का घर है यहाँ पर आके फेल हो गए। तो मैं, एक तो महमूद अली साहब होम मिनिस्टर है, उन्होंने तो इमाम जामिया बनने में है, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। मैं यहाँ के जिम्मेदारों को और सब जनों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल्लाह के घर के लिए जल्द से जल्द फ़ोन कर कर ये पानी को निकाला गया। और यहाँ के जो जिम्मेदार जो काम करते हैं, उन्होंने कोसी पार्टी के होंगे चेयरमैन, मगर जब काम करते हैं तो हम उनको सलाम करते हैं, काम नहीं करते तो तनखीद भी करते हैं। तो पहली चीज़, दो बार यहाँ से जीते आप, 2009 में होम मिनिस्टर थे, कुछ भी काम नहीं करे कांग्रेस में, फिर हाल ही दिन में कांग्रेस से जीते, यहाँ की आवाम कांग्रेस से जीते, फिर आप कोई काम नहीं करें। जाके देखो आप, जिल्लालगुड़ा, श्रीराम कॉलोनी, जलपल्ली, मैसरम, यहाँ पर पूरे एरिया छकाछक है, यहाँ माइनॉरिटी के इलाके में सब सोए हुए, और यहाँ के काउंसलर भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। TRS के जितने भी वार्ड ले लो आप, मैं गिन के देता हूँ, तो एक चैलेंज कर रहा हूँ, कचरे के अंबार है, पानी है, कोई काम नहीं कर रहे। हम बोल रहे तनखीद करते, तनखीद नहीं कर रहे, सबूत के साथ बता रहे हैं आपको। तो अब तो जागो, आप जाके काम करो, आप सोशल डिस्टेंस, शराब के दुकानों को नहीं बोले तो वहाँ पर ले लेके वहीं पी लेके वहीं शुरू कर आते, फिर गोल्डन तेलंगाना, सिलन तेलंगाना बोल रहे हैं। तो लिहाजा TRS गवर्नमेंट को बैगट करना चाहिए। हाल ही दिन में 28 वार्ड में इलेक्शन है, आप काम करने वाले को जिताइए, और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदा भी ठहरने वाले हैं वहाँ पर, आप जो काम करता है उसको जिताइए, और TRS गवर्नमेंट को बैगट करिए। ये माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।